दोस्तों इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को नीचे जाकर दबाइए और साथ में लगी घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता आपसे दूर दूर ही रहती है। आप सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी आप समझ नहीं पाते। चाणक्य की माने तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी काम करने में केवल सफलता ही मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत चौहान और आप देख रहे हैं रहस्य कक्ष। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सच्चे मित्र की पहचान। आचार्य चाणक्य के मुताबिक हमें मालूम होना चाहिए कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन मित्र होने का दिखावा कर रहा है। दुश्मन तो आपको दूर से ही नजर आ सकते हैं, लेकिन ऐसे मित्रों से आपको खास तौर से बचने की जरूरत होती है जो दोस्त की शक्ल में आपको धोखा दे रहे हैं। अगर आप दोस्तों की पहचान करने में माहिर हो जाएंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन साथी की सलाह। नया काम शुरू करने से पहले अपनी पत्नी से आप सलाह ले सकते हैं। आपकी पत्नी आपकी जीवन साथी है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उससे परामर्श जरूर करें। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो अपने माता पिता या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह जरूर लें। सकारात्मक सोच। चाणक्य के अनुसार कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हमेशा मन में इन बातों का ख्याल रखें, जैसे नए काम को हमेशा सकारात्मक तरीके से करें, साथ ही पैसे को लेकर भी सतर्क रहें। नए काम के परिणाम के विषय में हमेशा सकारात्मक ही सोचें और अच्छी सोच वाले लोगों के साथ रहें। सफलता के मीठे बोल। कहा जाता है कि अगर आप मीठा बोलेंगे तो आपके कई सारे काम पूरे हो सकते हैं। चाणक्य भी इसी बात का समर्थन करते हैं। अपनी सफलता के लिए हमेशा आपको अच्छा और मीठा बोलना चाहिए ताकि लोग हमेशा आपका साथ दें। दुश्मनों से करें ऐसा व्यवहार कि वो बन जाए आपके दोस्त। कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। इससे आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दुश्मन की कमजोर नस पर हमेशा चोट करें, लेकिन जब दुश्मन की कमजोरी ही न मालूम हो तो आपको उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। वैसे चाणक्य का यह भी मानना है कि आपका खुश होना ही दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर जरूर शेयर कीजिए ताकि इन महत्वपूर्ण बातों को सभी जान सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।